सलूम्बर में नहीं दिखा कर्फ्यू का असर। प्रशासनिक अधिकारियों ने बंद करवाई दुकानें, काटे चालान। उदयपुर जिले के सलूम्बर में आज जन अनुशासन पखवाड़े के तक 3 मई तक लगाए गए कर्फ्यू में पूरे बाजार खुले मिले, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बाजार को बंद करवाकर चालान काटे। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार रात राज्य में जन अनुशासन पखवाड़ा बनाने का निर्णय किया है। इसके तहत 3 मई तक पूरे राज्य में सख्त कर्फ्यू लगाया गया। आज जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन भी सलूम्बर के बाजारों में कर्फ्यू का कोई असर देखने को नहीं मिला और भारी भीड़ देखी गई। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें धड़ाधड़ बंद कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए व्यापारियों के चालान काटकर 5,000 रुपये जुर्माना वसूला, वहीं दुकानें सीज कर दी। इस दौरान सलूम्बर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को दुकानों के बाहर गोले बनाने की हिदायत दी। इस कार्रवाई में सलूम्बर तहसीलदार नारायणलाल जिगन, श्याम चरण सिंह, पुलिस जाब्ता सहित नगर में कपड़ा व सोने चांदी के व्यापारियों को कर्फ्यू के नियमों की पालना नहीं करने पर दुकानें सीज करने की बात कही। साथ ही बताया कि इस प्रकार सलूम्बर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी को मिलकर प्रशासन का सहयोग करना है। अनुशासन हो रहा है, उसमें आप सभी सुधार करें, तभी हम कोरोना पर जीत पाएंगे और आपके सहयोग से ही कोरोना की हम चेन तोड़ पाएंगे।